नमस्कार, जे एम ए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जे एम ए न्यूज। बातमी आहे कुर्ला पश्चिम काजूपाडा येथून। स्वतःच्या राहत्या घरी साईबाबाचे मंदिर बांधण्याचा मनसुबा बाळगणारे साई भक्त लॉरेन्स बाबा यांची गेल्या 40 वर्षापासूनची इच्छा आज पूर्ण झाली। आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट अनिल गलगेरी यांच्या हस्ते आज साई मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले। त्याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे बाबू बत्तेनी, मनसेचे महेंद्र भानुशाली व तमाम साई भक्तांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन सोहळा पार पडला। चला तर पाहूया। मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। जैसा कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि एक भूमि पूजन यहाँ पे किया गया साई बाबा के मंदिर के निर्माण हेतु, जिनके हाथों उद्घाटन किया गया। आपने हमारे कैमरे के माध्यम से आपने देखा है कि आरटीआई की जानकारी देते हुए नजर आए हैं अनिल गलगली जी के हाथों ये मंदिर का यहाँ पर भूमि पूजन उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ है। कहीं ना कहीं कोरोना की इस कार्यकाल के अंदर दो बड़े ऐतिहासिक जो एक निर्णय था राम भक्तों के लिए, कई वर्षों से अटका हुआ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जिसका भूमि पूजन पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों हुआ है, और साई भक्तों के लिए कहीं ना कहीं खासकर काजूपाड़ा के श्रीनगर के अंदर साई भक्तों के लिए खुशी की बात यह है कि उनके लिए एक भव्य मंदिर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। मैं सबसे पहले कहूंगा साई भक्त काफी उनकी अपेक्षा थी, काफी उनका एक सपना था कि काजूपाड़ा इलाके के अंदर एक भव्य साई मंदिर निर्माण हो। बाबा जी आपके ही निवास स्थान पर ही आज निर्माण होने जा रहा है। पति पत्नी अगल बगल में खड़े, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? सपना लगता है कि आज पूरा आपका होने जा रहा है? मेरा 40 साल का जो सपना था वो आज पूरा हुआ। अब इसमें हमारे मित्र अनिल गलगली जी, बाबू बतीनी जी, रत्नाकर शेट्टी जी, सुभाष गायकवाड़, किशोर धमार, कैलाश आहोनी जी और हमारे परिवार और ये सब साई भक्त, मैं भानुशाली सब, हम लोग सब मिलके आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। और मैं साई चरणी यही प्रार्थना करता हूँ क्या जल्दी से जल्दी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत से हमारा प्राण दुनिया से कोरोना जाए और बाबा की जल्दी से जल्दी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुए, बस सबकी मनोकामना पूर्ण करेगा प्रार्थना उन्होंने की है। और जाहिर बात इस कार्यक्रम में बड़ी विशेषता यह रही है कि बाबा जी के आज मंदिर से उद्घाटन समारोह में सेना के भी लोग नजर आए, कांग्रेस के लोग भी आए, राष्ट्रवादी के मेरे ठीक भाई खड़े हैं, बाबू बतली जो तालुका अध्यक्ष हैं उनके ठीक दानियों खड़े हैं, मनसे के महेंद्र भानुशाली जी, बाबू भी आपको बताता हूँ, उसके बाद अनिल भाई आपको बताता हूँ। बाबू भाई आज अपने इलाके के अंदर हमने देखा कि आप जन समस्याओं को हमेशा आपने उठाया है, लोगों के बीच आप गए हैं और एक धार्मिक स्थल यहाँ बनने जा रहा है, कैसा मतलब क्या है आपका एक बार इसके अंदर रहेगा? महेंद्र जी मेरे बाजू खड़े, क्योंकि तो महेंद्र जी हमने हमारे न्यूज पर दिखाया था एक आंदोलन उन्होंने लिया हुआ था बिजली के बिल को लेकर, आज यहाँ पर राजनीतिक प्रोग्राम में महेंद्र जी है, आप कहीं ना कहीं साई भक्त होंगे, कहीं अब हर जगह उपस्थिति आपकी रही है, कैसा आज महसूस पैदा कर रहे हैं आप कि अपने इलाके के अंदर आपके विभाग के अंदर आज आपकी विधानसभा के अंदर साई बाबा मंदिर निर्माण होने जा रहा है? साई राम एक बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम शिरडी में खड़े, आज शिरडी का वातावरण यहाँ पर आज हम सबको मिल रहे हैं और
सीढ़ी बार बार कोई नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर एक भव्य निर्माण मंदिर का हो रहा है, अनिल गलगले जी गौरव बाबा ने आज जो संकल्प लिया, देखिए सबसे कठिन काम होता है मंदिर बनाना, और मंदिर बनाना मतलब वो साईं बाबा ने ही इन दोनों को सोचा है और इनकी पूरी टीम को एक आशीर्वाद के रूप में कहा होगा आप शुरुआत करो, कोरोना हो या कुछ भी हो, अगर आप लोगों ने चाहा है कि मंदिर बनाना है तो आप काम पे लगो, मंदिर बन जाएगा। और सच में कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा एक शिरडी जैसा माहौल बना रहेगा, हम सबको मिलकर, सिर्फ इन दोनों ने, किशोर ढमाल जी ने, इनकी पूरी टीम ने अगर लीड किया है तो हम सबकी जवाबदारी है कि फूल नहीं तो फूल की थोड़ी पाकड़ी बोलते, अगर हम सब ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि शिरडी के बाद एक भव्य मंदिर जो बनेगा वो हमारे चांदीवली विधानसभा में काजूपाड़ा के अंदर बनेगा। बस मैं लोगों से यही दरखास्त करूंगा आप सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा सहकार्य दें और इस मंदिर के निर्माण में सहकार्य करें। अनिल गलगले जी के पास, अनिल गलगले जी हाल ही में आपने देखा है पिछले कुछ महीनों पहले इनके नेतृत्व के अंदर भव्य काजूपाड़ा के अंदर हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ है, और ठीक आज इस भूमि पूजन के बाद मेरे ख्याल से बताएंगे आपको कि जरी मरी माता मंदिर जो कि काफी प्रख्यात मंदिर जरी मरी में रहा है वो भी इनकी भूमि पूजन की इनकी योजना बन रही है। अनिल जी आप एक अच्छे आर्टी मतलब कार्यकर्ता हो, एक्टिविस्ट हो, आपने देखा हमने हमेशा के सामने समय समय पर आपके जो भी बाजू में आपको रुझान मैं देखा काफी दिनों से आध्यात्मिक तौर पर क्यों बढ़ रहा है, हमारे जो पारिवारिक जो संस्कार है उसके माध्यम से ये काम हो रहा है, निश्चित तौर पर सभी लोगों का योगदान है और साईं बाबा की भी शायद इच्छा होगी कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो हम लोग तो निमित्त है और सभी ईश्वरी हमसे करवाते हैं और हम साईं बाबा के चरण में मतलब अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण पूरा हो, जो भी अवरोध हो चाहे वो नकारात्मक हो, सामने से हो या पीछे से हो, उसे साईं बाबा दूर करे और जल्द से जल्द जो 3 महीने का टारगेट है और आने वाले 10 दिसंबर 2020 को हम इसका उद्घाटन करने का भी हमारी जो एक प्लानिंग है उसे भी साईं बाबा पूर्ण करें, यही अपेक्षा रखते हुए कौन सी अनिल जी आपका समय कम है, आपको कहीं और जाना है, आखिरी सवाल आपसे कहूँगा कि इस मंदिर के योगदान के लिए अगर कोई योगदान देना चाहे, अपनी धनराशि देना चाहे तो किस तरह दे सकता है, मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरे वालों से जिसे मतलब धन को आवश्यक ही है लेकिन धन से भी यहाँ जुड़े ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धन देने वाले बहुत हैं, मतलब मन देकर यहाँ पर काम करवाना और उतना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे काफी पड़ा कि जी नागरिक गुरा बैंक इस मंदिर के ट्रस्ट को लेकर एक खाता भी खुला गया है, इसे भी देना है वो चेक के माध्यम से, और हमारी अपील है कि नकद के अगर चेक देंगे तो हर एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, और आने वाले दिनों में कल किसी को भी कुछ सी जानकारी चाहिए तो पासबुक और चेकबुक लोगों के सामने रखने की हम क्षमता रखते हैं, वो चेक के माध्यम से गुजरा नागरिक बैंक के जो हमारा अकाउंट है उसमें लोग मदद कर सकते हैं। चेक किस नाम से दिया जा सकता है ट्रस्ट के नाम से, जो ट्रस्ट का नाम से जो अकाउंट खुला है उसकी जानकारी आपको भी हम दे देंगे, और बाद में जिनको इच्छा है उनको हम उसका व्हाट्सएप या SMS के द्वारा जानकारी देंगे, तो जितना हो सके अपना मदद करें, लेकिन धन से अधिक हमें लोगों के मन और तन की आवश्यकता है कि यहाँ पर स्वयं खड़े होकर इस मंदिर के निर्माण में लोग अपना योगदान करें, धन से ज्यादा तन की आवश्यकता है। किशोर ढमाल जी बताऊंगा आप इधर आइए, क्योंकि मैंने देखा कि आपने काफी मंदिर बनाने में आपको भगवान काफी आशीर्वाद रहा है, ये बताइए कि ये मंदिर कितने दिनों खड़ा करते हैं, क्योंकि 40 साल का सपना लॉर्ड बाबा जी का रहा है, तो कितने दिनों में क्या लगता है कि कई दिनों में खड़ा कर पाएंगे इसको? गलगली साहब के नेतृत्व में अपन मंदिर बना जी, हमारा उद्देश्य है कि कहीं भी मंदिर धर्म का काम कोई भी रहेगा अपन तन से और मन से करते हैं, तो गलगली साहब ने हम लोग 4 महीने टारगेट दिया है, तो जहाँ तक है 3 महीने के अंदर 3-3.5 महीने में ये फाइनल होना ही होएगा ही, 10 दिसंबर में पड़ जाए 3 महीने पहले, जो भी लागत लगेगा, मटेरियल लगेगा, जो भी लगेगा, तो आनंद भाई का हाथ है, द्वारिंद बाबा है, भाव अच्छे जी है, महेंद्र जी है, सब दिन का योगदान है उसमें, मेरा काम करना मंदिर हो गया जैसे साइड ये जैसा कि मंदिर मतलब उनके हाथों बनना तय हुआ है, मात्र इन्होंने 3 महीने का वक्त इन्होंने लिया, 3 महीने में साईं बाबा जी की मूर्ति स्थापित करके भव्य मंदिर निर्माण करेंगे। मेहनत जी आप इस मंडल के कार्यवाहक रहे हैं, करता धरता रहे हैं, आपकी नित्य हमने देखा है कि हर वर्ष 11 जनवरी को पदयात्रा निकलती जा रही है, सफल पदयात्रा अपने आयोजन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, आज मंदिर का निर्माण 3 महीने में, जैसा किशोर ढमाल जी 3 महीने के अंदर अनिल जी के नेतृत्व के अंदर 3 महीने में मंदिर खड़ा हो जाएगा, क्या कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है?
जल्दी और जल्दी होना चाहिए, मतलब किस समय को हो रहा है? ऑब्वियसली एक मन की इच्छा थी, मेरे पिताजी की इच्छा थी 40 साल से मैं मंदिर बनाने की, वो आज मैं बड़ा होकर ये इच्छा पूरी हो गई। इसके आगे हम लोग संभाल रहे हैं, मेरे बेटा संभाल रहा है, मेरे फैमिली संभाल रहे हैं। जो पिताजी का जो मेन मंत्र है मानव सेवा इस करी ईश्वर सेवा, आज वो कहीं पर मंदिर के माध्यम से भी सफल हो रहे हैं। तो मंदिर तो बनने वाला उसकी खुशी है ही, लेकिन मंदिर के माध्यम से दूसरे हमने कार्य करने वाले उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समाज के बीच में ला रहे हैं। तो आप तो आगे जाते हुए देखोगे। ये सब साई भक्त थे जिनके नेतृत्व में पिछले 3 महीने पहले राम साई बाबा मंदिर निर्माण यहाँ पर होना है, और कहेंगे मंदिर के माध्यम से मैंने बताया कि सामाजिक कार्य भी आगे करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जय मेरी। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।